उस समय की बात है जब भगवान देवाधिदेव महादेव आशुतोष भगवान शंकर यानी कैलाश पे विराजमान हैं। एकाएक उनके मन में एक विचार आया कि जरा आज हम चल करके देखें कि मेरी गौरी अभी कितनी बड़ी हुई है, है ना? क्योंकि जब माता सती अपने पिता महाराज अजस्त्र के घर हवन कुंड में कूद कर अपने प्राण का अंत कर दे, तो उनका दूसरा जन्म महाराज हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में हुआ, गौरी के रूप में हुआ। भगवान शंकर मन में विचार करते हैं और चले जोगी का भेष बनाकर। बसहा चढ़ल शिव हो और करखिन पूछा, जोगी के भेष बनाकर बाबा चले। बसहा चढ़ल शिव हो करखिन पूछा, हिमाचल में आ गया कि कते बड़ा भैले लोग हो और कते बड़ा भैले लोग हो अगौरी है हमारे, कते बड़ा भैले लोग हो जोगी के भेष में हिमांचल के लोगों से पूछते हैं कि मेरी गौरी अभी कितनी बड़ी हुई है, तो हिमांचल के लोग जोगी बाबा से कहते हैं कि जोगी बाबा आप हमारी गौरी से मिलने आए हैं, राजकुमारी को देखने आए हैं, तो सुनिए ना। तनिए कपिल मो जोगी हो आना बोलाए,
भगवान शंकर सुने कि गौरी फुलवारी गई है, भोलेनाथ जोगी के भेष में कहते हैं कि आप क्यों कष्ट करेंगे, गौरी फुलवारी में ही है ना, मैं ही चला जाऊंगा। बसहा को घुमाए और तुरंत फुलवारी के गेट पर जाकर खड़े हो गए। उधर से जगत की जननी जगदम्बा मैया पार्वती बाबा हिमाचल की दुलारी महारानी मैना की प्यारी मैया पार्वती चली आ रही है। बाबा भोलेनाथ जोगी के भेष में गेट पर खड़े होकर रास्ता को रोक लिए। सावधान सुनो के कारण के पारी गौरा है के कारण के दुलार के कारण के पारी गौरा है के कारण के दुलार अरे गौरा के कारण भरोसे गौरा है के कारण भरोसे बात सुनकर के कहते कि ओ जोगी बाबा आप ये पूछ रहे हैं मैं क्या आपको इतनी कमजोर लग रही हूं। सुनिए अरे मेरे भी परिवार में आदमी है, मेरे भी परिवार सुने पापा के हम पारी जोगी हो भैया के हम दुलार पापा के हम और पारी जोगी हो और भैया के हम दुलार। ए बाबा जहां तक आप हिम्मत की बात कर रहे हैं तो सुनिए अरे अपना भरोसे जोगी हो अपना भरोसे जोगी हो हे लालो भुलवा कर अपना भरोसे जोगी हो हे लालो भुलवा अपना भरोसे जोगी हो हे लालो फुलवा भोलेनाथ जोगी के भेष में कह कह के गौरा एक तो तू फुलवारी में चली आई फूल भी ले ली ऊपर से इतनी अकेला दिखा रही हो। सुन सुन आजा थोड़ी देबो शंखा चूड़ी गौरा मेटी देबो हे सिंगार गौरा आज हम हे तुहार बागस निकालब गौरा हे आज हम हे तुहार अरे बागस निकालब गौरा हे आज हम हे तुहार
पार्वती इतना सुनी, भोलेनाथ कहते हैं कि शंखा चोरी तोड़ देंगे, सिंगार मेट देंगे, बाग से भी निकाल देंगे। मैया पार्वती कहती है कि वाह हो जोगी बाबा, आपकी आप में इतनी हिम्मत आ गई, लेकिन सुन लीजिए, अगर आप मेरा चूड़ी तोड़ देंगे, सिंगार मेट देंगे, तो मुझ में इतनी शक्ति है क्या? चोरी ले भाई शंखा चूड़ी बाबा, गौरी ले भाई हो सिंगार, चोरी ले भाई शंखा चूड़ी जो गौरी ले भाई हो सिंगार। ओ बाबा अरे हेली जय बो पागम में जोगी हो, पैसी जय बो पागम में जोगी हो, लोढ़ी ले भाई हो फूल सुनिए, मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, मैं भी चुप बैठने वाले में नहीं हूँ। सुने ओ बाबा, ओ जोगी बाबा, मैं भी महाराज हिमाचल की बेटी हूँ। सुनिए थोड़ी दे मरू जोगी हो, थोड़ी दे और जिस पैगंबर पर आपको इतना गुरूर है ना, आप मेरा डमरू फोड़ देंगे, मुंड माल तोड़ देंगे, बाघंबर फाड़ देंगे। सुन लीजिए, अरे छारी ले भाई डमरू गौरा है, अरे जोड़ी ले भाई मुंड माल, अरे छारी ले भाई डमरू गौरा है, जोड़ी ले भाई सिलवाने के लिए मैं किसी टेलर मास्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी दर्जी के दुकान पर नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे तोरे से सिलवाई को गौरा है, तोरे से सिलवाई को गौरा है,
सुनने के बाद विद्यापति जी महाराज तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं और जगत की जननी मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी देवी हे देवी कहथिन विद्यापति सुन हिमाचल हे कुमारी